नमो हरिहंता नमो सिद्धानु नमो आयुर्याणु नमो वज्रायाणु नमो लोये सभसा। नमः शमय सारय स्वाहाय स्वाहाय सर्वभावान्तरं कैसा है आत्मा? लोकोत्तर साधन है, यहाँ तक चर्चा हो रही है। लोकोत्तर साधन है जिसका आश्रय होने पर धर्म प्रगटता ही है, जिसका आश्रय होने पर धर्म प्रगटता ही है। क्या कमाल है, आग लग रही है और भाई आग बुझाने वाला यंत्र भी है, वो आग भी बुझ रही। कल्पना करो जरा, अनादि काल से आग लग रही है और वही आग बुझाने वाला एकदम सफलतम यंत्र है, आग बुझ क्यों नहीं रही है? मोहराग देश की आग बुझ क्यों नहीं रही? बता भाई, कितने करोड़ रुपए का इंस्ट्रूमेंट लगवाए कि आग बुझ जाए? क्या करना चाहिए बोलो? आग लगने पर कितने व्रत उपवास करने चाहिए बोलो? आग लगने के बाद कौन कौन से त्याग करना चाहिए? ब्रह्मचर्य लेना चाहिए? क्या माला पहनना चाहिए? क्या करना चाहिए? क्या कमाल है, लोकोत्तर साधन माने भगवान बनने का साधन तेरे पास है और तू भगवान नहीं बन पा रहा है। कोई नए यंत्र मत लगवाओ, कोई नए विधि विधान मत करो, कोई व्रत उपवास मत करो, कोई टेक्नोलॉजी की तरफ मत देखो, है ना? वो देख तो है। स्विच होते हैं, स्विच जरा सा मेन स्विच बंद कर दो, जरा सा इतना से करना है, ज्यादा मेन स्विच। ये सारे पंखों का क्या होगा और सारी लाइट का? इतने से में, इतने में, एक में ही, एक में ही सब, वही तो मेन स्विच है। ध्रुव तेरा मेन स्विच है, एक ध्रुव का अनुभव करते ही चौदह गुणस्तर में लाइट आने लगती है। गाड़ी चलाने में करना क्या पड़ता है? एक स्टार्टर लेता है, अब हिलाते रहता है बैठे बैठे, वो करते क्या, गाड़ी अपने आप भागती जाती है, भागती जाती है। लोकोत्तर साधन जिसका आश्रय होने पर धर्म प्रगटता ही है। धर्म प्रगटने में मजा नहीं आता, जरा बोलो एक एक शब्द। सम्यक दर्शन होता ही है, अणुव्रत होते ही है, महाव्रत होते ही है,
उपसर्ग परिसर जीते ही जाते हैं, जीतना नहीं है, अपन उपसर्ग परिसर जीतने के प्लान बनाते हैं सो हार जाते हैं। बहुत कठिन है, सिर पर एक पत्थर पड़ गया मेरी बस की नहीं है। अब नरक में जो होगा देखा जाएगा, लेकिन मेरे सिर पर कोई अग्नि जलाएगा तो मेरी बस की नहीं है, नरक में देख लेंगे। ये कर्म बंध है, ये जीव कर्म बांधता है, नरक में भुगत लेंगे, लेकिन कोई मेरे गले में सर्प डाल जाएगा तो बर्दाश्त नहीं होगा। अरे भाई ढोर, नरक का बंद कर रहा है? नहीं कर रहा, ऐसा नहीं कोई से पूछ के देखो क्यों नरक जाना पड़े। तो अब भाई जब जाएंगे चले जाएंगे, भोगना पड़ेगा तो अब भुगत लेंगे, लेकिन अभी आपको पता नहीं, मैंने पहले ही कहा था जीव नरक जाने की और त्रियंत गति में जाने के भी बंद करता है। कैसा है? बढ़िया। शांति मिलती ही है जिसके अनुभव बिना, जिसके अनुभव बिना, जिसके अनुभव बिना। अगली लाइन आ रही, शास्त्रों के आधार से सत्व तत्वों को की भूल मिटाने, निसंकेत आदि अंगों को पालने, 25 दोषों को नहीं लगाने पर भी सम्यक दर्शन नहीं होता। क्या कह रहे? फिर से, जिसके अनुभव बिना, ध्रुव के अनुभव बिना सम्यक दर्शन के 8 अंग पालने पर भी करोड़ों रुपए खर्च करते प्रभाव न, बात्सल्य करते खूब बात्सल्य, लोगों के दोष में छिपा दे, उपगुण कर दे, स्थितिकरण कर दे, निशंक रहे बिल्कुल, मर जाएंगे लेकिन हिलेंगे नहीं। समझ गए? सब कुछ होने पर भी, सब तत्वों की भूल मिटाने पर भी, क्या सात तत्व की भूल मिट जाए तो सम्यक दर्शन होगा कि नहीं होगा? प्रश्न, सात तत्व की भूल मिटने पर सम्यक दर्शन होता है कि नहीं? कि तू सात तत्व की जानकारी के आधार से भूल मिटाता है, ध्रुव को जाने बिना सात तत्व की भूल मिटती नहीं। फिर से बोल रहा हूं, आप सात तत्व पढ़ लो, छह डाला जी में से और मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में से, हाँ पढ़ लीजिए, तो पक्का है जीव का लक्षण उपयोग है, अजीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल है, ऐसे सातों सुना देगा वो, मोक्ष में सुख है, मोक्ष में सुख है, सुन रहे ध्यान से, ये मोक्ष तत्व संबंधी भूल है। क्या कह रहे हो? सोच समझ के बोलो, मोक्ष में सुख है, मोक्ष तत्व संबंधी भूल है, भूल है प्रभु, मोक्ष में सुख नहीं है, ध्रुव में सुख है, इसका नाम मोक्ष है। सम्यक दर्शन नहीं होने का मूल कारण, सुनना सभी लोग बहुत अच्छा, सम्यक दर्शन नहीं होने का मूल कारण, आप जीव द्रव्य का सद्धान करते हो, जीव तत्व का सद्धान नहीं करते। क्या फर्क है साहब इसमें? जीव और तत्व द्रव्य के प्रमाण का द्रव्य है ना, वो जीव द्रव्य है, और ध्रुव है ना, वो जीव तत्व है। आप जब जब भी तत्व की बात करते हो, जीव तत्व की, तो आप ध्रुव पकड़ नहीं पकड़ते, तो आपको द्रव पकड़ में आता है, इसलिए हमको लगता नहीं अभी विकार तो है, विकार तो है, सम्यक दर्शन तो हुआ ही नहीं, ध्रुव की चर्चा करने पर भी सम्यक दर्शन तो हुआ ही नहीं, तो तुझे पर्याय दिख रही है ना, ये प्रमाण का द्रव्य हो गया। कुछ समझ में आया वो नहीं? समझ में आया कि नहीं? बच्चों को समझा देता हूं, तुम लोग समझ लेना बीच में। बच्चों रेडी? बहुत बढ़िया। आम खाया कभी? आम आम खाया है? कैसा होता है? छिलका सहित आम खाया है? छिलका सहित खाया है? मीठा आम छिलका सहित, तो कैसा स्वाद आता है? हाँ जवाब है कि नहीं है? अब एक आदमी ने, सुनना ध्यान से, एक आदमी ने कहा नारियल दिया, नारियल लो खाओ, अब वो देख के, बाप रे मेरे दांत टूट जाएंगे, बताओ ये दांत टूटने का भाई कैसे लग रहा है? नारियल खा सकते हो कि नहीं? खा सकते हो? मैंने उसको तोड़ करके ऊपर का हटा करके फिर खा सकते, यही हुआ ना दृष्टांत, बच्चे समझ गए? आम छिलका उतार के खाएंगे तो मीठा, और छिलका सहित खाएंगे तो ठीक। बात समझ में आ गई? ये है बस प्रमाण का द्रव्य,
जब जब तुम्हें डाउट लग रहा है कि कल्याण नहीं होगा, कैसे होगा, कब होगा, इसका मतलब तू द्रव का सद्धान कर रहा है, तत्व का सद्धान नहीं कर रहा है। कुछ पकड़ में आई बात? द्रव का सद्धान, जब जब तुझे पर्याय की चिंता है, होगा नहीं होगा, कब होगा, ये भगवान पढ़ तो बहुत रहे हैं, बहुत दिन हो गए सुनते सुनते, अभी तक कुछ नहीं हुआ, ये सारी प्रॉब्लम जीव द्रव्य की है। जीव तत्व को देखते से तो काम ही खत्म, जीव तत्व को तो देखते ही काम ही खत्म, मोक्ष ही हो गया, यूं समझ लो। दृष्टांत दें कर अब बताओ, इतनी सारी लाइट जलानी पड़ेगी, इतने पंखे चलाने पड़ेंगे, फिर तो करना पड़ेगा, तो करना पड़ेगा, तो करना, तो कितने टेंशन में है जी। अरे कुछ नहीं करना, ये ध्रुव का बटन दबा दे, बस हो गया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं। चौदह गुणा स्थान की प्लानिंग बनाने वाले दुखी, मुनि बनने की प्लानिंग बनाने वाले दुखी, अनुवृत्ति प्रतिमा लेने के नियम प्लान ट्रेनिंग प्रैक्टिस करने वाले दुखी, मैंने खूब देखे हो, मैंने खूब देखे, मैं खुद दुखी था, मैं खुद दुखी था, ये तो आज कर रहा हूँ मैंने आज मौज कर रहा हूँ, मैं बहुत परेशान था, पुराण प्रथमानी चरणानी पढ़ पढ़ करके, बाप रे इतने दोष, इतने दोष, इतने दोष, मैं तो बहुत परेशान हो गया, बहुत डिप्रेशन में हो गया था। मैं पंडित साहब के पास गया, मैंने पंडित साहब इतने दोष लिखे, ये तो मेरे में से कब मिटेंगे, तो मिटे ही रहे हैं, और एक एक दोष के पीछे परेशान हूँ। उन्होंने एक लाइन में साफ कर दिया, पता क्या कहा, पूरे पूरा, अच्छी भाषा बोल रहा हूँ ना, सारे ग्रंथ मेरे लिए नहीं लिखे गए, द्वादशांग मेरे लिए नहीं लिखा गया, मेरे लिए तो ध्रुव लिखा गया है बस, मेरे लिए। फिर उन्होंने दृष्टांत दिया, एमबीबीएस में कितनी किताबें होती हैं, कितने रोग और कितनी दवाइयां, कितने इलाज, ठीक है कि नहीं, तो सारे रोग मुझे थोड़ी हैं, सारे एमबीबीएस बुक्स मुझे थोड़ी पढ़नी है, सारे इलाज मुझे थोड़ी करने हैं, मेरा रोग देख के इलाज करो, तुम किस भूमिका में खड़े हो, पैसा करो। मैं सच कहता हूँ, त्यागी व्रती लोग इतने परेशान हैं, उल्टा नहीं लेना, मैं बदनाम नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद त्यागी व्रती इतने परेशान बोलो भाई साहब, आपके चौथे गुण स्थान या पांचवें गुण स्थान का भी ठिकाना नहीं है, और आप मुनियों जैसी सोच रहे हो, ऐसे सो जाएंगे, ऐसे कैश लोन कर लेंगे, और वो कर लेंगे, उसमें गीले में पैर नहीं रखेंगे, और गीले बर्तन नहीं लेंगे, और फिर फला नहीं करेंगे, और आज हम इस पे पैर नहीं रखेंगे। भैया ये नियम कौन से लिखे तुमने, मुनिराजों के नियम तुम क्यों पाल रहे हो, देखिए वो लगता है ना सबसे अलग हटके दिखना चाहिए, सबसे अलग हटके दिखना चाहिए, मैंने 10 ब्रह्मचारी आ जाए तो भोजन कराना मुश्किल पड़ जाए, एक कह रहा हल्दी, एक कह रहा नमक, एक कह रहा तेल, एक कह रहा घी, एक कह रहा वो प्लास्टिक का बर्तन तुमने छील लिया, सब सब मेरे साथ ही भोजन करने गए खानिया था तो पैर पोंछ होता है ना, प्लास्टिक का पैर पोंछ है, वो महिला बेचारी शुद्ध कपड़ा पहन करके पैर पोंछा, पैर रख के अंदर चली गई, और हमारे साथ एक बुजुर्ग त्यागी जी आए थे, वो एकदम भड़क गए, सब अशुद्ध हो गया, पूरा चौका शुद्ध हो गया। अब हम अब क्या कर सकते हैं, आप शांति से बैठो, आपके लिए क्या बनाए, इतनी जल्दी बोलो, पूरी बनाना पड़ेगा, तो भोजन तो अशुद्ध ही हो गया पैर रखने से, उनके लिए फिर हम क्या, आप बैठो, हम लोग भोजन करते हैं हमने भोजन कर लिया, तब तो उनके लिए खिचड़ी अलग से, दूसरे कपड़े पहन करके एक अलग गैस के ऊपर उनकी खिचड़ी बनी, हमने अपना भोजन कर करा लिया, इसके बाद वे, अब मुझे तो ज्यादा कुछ नहीं कहना है भैया, पहले तू ये तो बता कौन से गुणस्थान के अनुसार, टोटो में सामने लिखा है जो पद धारण किया हो उसके योग सर्व ही नियम का पालन करना, आगे के नहीं, आगे का नहीं, आगे का तो अंदर अंदर करो, बाहर का नहीं करो, बाहर से देखते हैं लोग, हम बड़े त्यागी नहीं है, हम बड़े ध्रुव है पॉइंट पकड़ में आ रहा है कुछ, आहा ऐसा, उससे क्या नुकसान है, यदि हम ज्यादा त्याग कर लें तो, ज्यादा त्याग करने से ये दुख है कि तू संकलेश करेगा, धवल जी बोलते थे, धवल जी का नाम सुना है, धवल जी ऐसे बोलते थे, अपनी अंगूठी अपनी उंगली के साइज की बनवाना, ना सोना बचाने के लिए छोटी बनवाना, और ना ज्यादा सोना हो तो बड़ी बनवाना,
ज्यादा सोना हो तो क्या करना चाहिए बिगाड़, अपन कितनी बढ़िया अंगूठी बनवा ली, अब वो ढीली, अब 24 घंटे ऐसे पकड़े पकड़े घूमो, समझ गए, अंगूठी ऐसे ऐसे पकड़े पकड़े, कोई काम करना हो, नहाना हो, कपड़े पहनना हो, कैसे करेगा बता, दो उंगली तो बेकार ही हुई, तीन, एक अंगूठी के चक्कर में 3 उंगली खराब हो गई, कैसे खाओगे रोटी बताओ, परेशान हो जाओगे, ऐसे कहते, बड़ी प्रतिज्ञा लोगे तो 24 घंटे प्रतिज्ञा पर दृष्टि होगी, ध्रुव की दृष्टि खत्म हो जाए, नियम ना टूट जाए, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। पंडित साहब ने हमसे कहा, भोजन करते समय अपनी थाली में देखना, दूसरों की थाली में भी नहीं देखना, और चौके में देख देख कर अनुमान भी नहीं लगाना। एक पंडित साहब ने इतना सिखाया है, बोले क्यों कि तुम जाके देखने लगोगे पानी का छन्ना, ओ अब तुम हाय हाय, अब तुम्हें देख के सब घबरा जाएंगे, कई बार गलती नहीं कर रहे, अब तो गलती हो जाएगी उन लोगों से, आप तो अपनी थाली में देखो, यदि अंतराय आए तो उठ जाओ, दूसरों की थाली में अंतराय आने पर भी तुम मत उठो, क्यों, यदि दूसरों की थाली में अंतराय आया और सभी ऐसे उठ जाए, कल्पना करो अब 100 महिराजों के आहार हो और एक महिराज को अंतराय आए और 99 की भी अंतराय हो गया, तो एक दिन भी नहीं खा पाओगे बेटा, 100 महिराजों के रोज अंतराय होंगे, क्यों, एक किसी का हुआ सबका ही हो गया, ऐसा नहीं हो सकता, 10 महिराज 5 महिराज एक चौके में पड़गाए जा सकते हैं, 10-10, 20-20 महिराजों के चौके एक में पड़गाए गए हैं, विहार करते समय एक ही हॉल में सबको खड़े करते थे लाइन से, उस तरफ और इस तरफ मुंह करके एक दूसरे को चार तरफ से ऐसे आहार कराते, तो कहने का मतलब बड़ी प्रतिज्ञा लेना नहीं, और छोटी प्रतिज्ञा लोगे तो तुम्हें कष्ट होगा, उसमें संकलेश होगा, क्योंकि जितनी आपकी विशुद्धि है उससे कम नियम लेने पर भी तकलीफ होती है। तो धवल जी ऐसे दृष्टांत देते थे अंगूठी का, ठीक समझ में आया, हाँ भाई, सप्त तत्वों की भूल मिटाने पर भी क्या कह जाए, तो 7 तत्व बोल दूं जल्दी से, सुनोगे मेरी उंगलियों देख के, 7 तत्व किसे कहते हैं, जो पढ़ा है वो आप याद रखना, जिनने नहीं पढ़ा वो याद करना, एक अब मेरी परिभाषा देखो, ये जो ध्रुव है ना इसको जीव तत्व कहते हैं, याद है ना, प्रमाण के द्रव को अपने द्रव कहा है, जीव तत्व नहीं कहा, मैंने एक बहुत बड़ा चार्ट तैयार किया, प्रवचन भी किए उसको, तत्व जीव द्रव जीव पदार्थ और जीव अस्थिका है, शब्द आते हैं चार, तत्व द्रव्य पदार्थ अस्थिका, चार शब्द आते हैं, इन चारों का प्रयोजन है कुछ, चारों में एक बात नहीं है, जीव कहने पर भी चारों की चर्चा ही अलग है, वो कितनी बड़ी चर्चा है उसका प्रवचन है, और वो पूरा चार्ट है पूरा, वो आप अलग से सुन लेना, ये चारों बातें लिखोगे तो ऑनलाइन मिल जाएंगी प्रवचन, बहुत डिफरेंस है गजब, मुझे तो आपको जो बताने वो समझो, हमें स्वानुभव के लिए द्रव नहीं तत्व चाहिए, तत्व क्या होता है समझते हो, तत्व त्रिकाल एक रूप होता है, मोक्ष तत्व त्रिकाल एक रूप होगा, जीव तत्व त्रिकाल एक रूप होगा, आश्रम बंध का तत्व एक रूप होगा, तत्व माने तस्य भावम तत्वम, जो भाव है उसका वही भाव, जो तत्व है पदार्थ है उसका वो भाव, भाव जैसे मनुष्यत्व, मनुष्य अपराधी हो सकता है लेकिन मनुष्यत्व अपराधी नहीं हो सकता, मिठास तत्व, खीर मीठी हो सकती है उसमें कुछ और डाल दे तो कड़वी हो जाएगी, कुछ और हो सकती है, लेकिन शक्कर का जो मिठास तत्व मीठा पाना वो एक रूप है, तो जीवत्व कैसा होगा सोचो, हमने तो जीवत्व का सिद्धांत कराया था, और तुम अभी भी कह रहे परिणाम नहीं सुधर रहे, जो व्यक्ति ये कह रहा मेरे परिणाम नहीं सुधर रहे उसे 3 काल में परिणाम नहीं सुधरे, जब तक वो परिणाम देख रहा है नहीं सुधरेंगे, नहीं पड़ी पहले से अच्छे परिणाम, चुप, पहले से बढ़िया परिणाम ढोर, अरे तू परिणाम देखता है यही गंदी बात, नहीं समझ में क्या कहा, तू परिणाम देखता है ये ही गंदी बात है, ध्रुव के सामने परिणाम नहीं देखे जाते, अच्छे भी और ए अच्छे बुरे परिणाम के लिए पंचय मूढ़ा कहा है, इतनी जल्दी मेरे पास आ, पंडित जी अब तो मेरे भाव सुधर गए, मैंने भग जा जल्दी, मैं अब परिणाम खराब नहीं हो रही, मैं तो कह रहा हूँ हो रही, ये सूक्ष्म बात है,
तुम क्या सोचते हो, दो चार छह दिन यदि खोटे भाव नहीं है खाने पीने लड़ाई झगड़े के, पंडित जी आपके प्रवचन का असर मिथ्या दृष्टि, मेरे प्रवचन का असर होता तो तुम ये कहते हो मैं अनादि अनंत रूप एक रूप हूं, ये डायलॉग आता तुम्हारे सर चेहरे पे जिब्बा पे, और तुम अभी भी कह रहे आज के प्रवचन सुनकर के परिणाम सुधर के भाग, बोलता नहीं लेना मैं ऐसे ही बोलता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल गलत, बहुत खरे खरे कह रहा हूँ क्योंकि अभी भी हमें ऐसे ही लगता है, सबको ही लगता होगा भाई साहब पहले और अब, पहले और अब क्या फर्क पड़ गया, पहले और में पहले क्षोभ कम था अब हो गया ज्यादा, पहले समझ कम थी समझ हो गई ज्यादा, पहले थोड़े आचरण खराब थे अब थोड़े आचरण अच्छे, जैन शासन में केवल ज्ञान होने को भी अच्छा नहीं कहा, बोल बोल केवल ज्ञान होने पर भी कुछ नहीं, यही तो कह रहे सम्यक दर्शन का विषय ध्रुव है, सम्यक दर्शन का विषय ध्रुव है, अब सोचना बिल्कुल गलती नहीं करना भाई, कोई हमारे परिणाम पहले से अच्छे हुए खाक हो, तू परिणाम देख रहा है इससे ही पता लग रहा है कि तू खराब है, दृष्टान बहुत है, बाबू जी का दृष्टान याद रहता है, बाबू भाई जी का, एक आदमी ने आम का बीज डाला उसमें फसल आ गई, तो देखा देखी क्या कहलाता था बंदर, उसने भी एक आम का बीज जमीन में डाला, अब देखने लगा अभी तक तो आई नहीं, अभी तक तो आई नहीं, तो बार बार मिट्टी निकाली, फिर मिट्टी भर दे, हर एक आध घंटे बाद बोलो भाई कितने साल बाद इसके आम आएंगे, अरे तू देख क्यों रहा है, तो हम क्या गाली दे रहे, हम क्या व्रत उपवास कर रहे, हम क्या त्याग गलत खान पान कर रहे, हम क्या पिक्चर देख रहे हैं, हम तो एकाग्रता से इसी को देख रहे हैं किसको, अरे प्रभु तू पर्याय को देखता है यही तेरी गलती है पंडित, अभी कई लोग पूछते हैं ध्यान रखना मैं बिल्कुल खुला खुला कह रहा हूँ, पंडित साहब एक बार आप मेरा सुन लो, सुनाओ मैंने ऐसे ऐसे स्वाध्याय किया ऐसे ऐसे विचार किया फिर ऊंडे ऊंडे गया ऐसे ऐसे किया फिर मेरा ध्रुव 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 फिर ऐसे ऐसे मुझे होने लगा एकदम एकदम कुछ हुआ, तो ये परिणाम सम्यक दर्शन है कि नहीं, चौकड़ी मारी दे क्या बोलते हैं चौकड़ी मार देंगे, प्रभु तू पर्याय ढूंढ क्यों रहे है, मैं नहीं कहता हूँ लिखा है समय साहित्य परमागम में टीका में लिखा है किसी से मत पूछ, ध्रुव तूने जाना है किसी से मत पूछ, नहीं नहीं हम टैली कर रहे भाई जब आपको असली सम्यक तो मेरे पास नकली हुए तो फिर टैली करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मैंने कहा एक बताओ कभी भी दो महिलाएं आपस में मिली तो टैली करती होंगी क्यों, ये क्यों मेरे को बच्चा तो हुआ लेकिन ममता सच्ची है कि नहीं पता नहीं, वात्सल्य सच्चा है कि नहीं पता नहीं, आप जब वो बच्चा रोता तो आप क्या करती हो, मैं तो थप्पड़ देती हूँ, ये तो मैं तो नहीं देती तो मैं भी दिया करूंगी, ऐसे कोई टेली करता है क्या, अरे बच्चे का जन्म हुआ जो अपनत्व आया ममत्व आया उसे कोई टेली करने दी जाता, ऐसे प्रत्येक जीव को जो ध्रुव अनुभव में आया उसे टेली करने, टेली करने वाला अजय बूढ़ा है, जब आचार्य देव कह रहे सर्व भगवान कह रहे अनादि अनंत ध्रुव में कुछ नहीं बिगड़ा, अब इसमें काय ढूंढ रहे तुम, नहीं नहीं तुम्हारा ध्रुव कैसा है रितेश तुम्हारा कैसा है भला का कैसा है, अरे क्यों माथा मार रहा है, अनादि अनंत ध्रुव एक रूप ही है, कितनी साफ साफ तो बोल दिया, जहां निगोद में जो निगोद में जो मुझ में, अब टेली क्यों कर रहे हो, है बस खत्म हो तो मैं तो अमर हो गया, तो बस मजा कर, नहीं नहीं आप देख लो कहीं नकली तो नहीं हो गया, कई बार लोग कहते हैं अभी तो ये वचन वाला है सम्यक दर्शन, अभी तो विकल्प वाला है, अभी तो स्वसंवेदन वाला तो हुआ ही नहीं, भाग जा तू स्वसंवेदन वाला सम्यक तो ढूंढता है ये भी मिथ्या है, पंडित अब मत बोलो देखो अब झगड़ा हो जाएगा, तो झगड़ा काय हो जाएगा, तू स्वसंवेदन के नाम पे पर्याय क्यों ढूंढ रहा है, मुकेश तुमने लड्डू खाया है,
दूसरे लड्डू खाने वाले पूछे तेरे कैसा टेस्ट आ रहा, मेरे को तो मीठा आ रहा, तेरे कैसा? क्या दो व्यक्ति लड्डू के स्वानुभव को टैली करते हैं? लड्डू के नहीं करते, ठंड गर्मी हवा कोई चीज का टैली नहीं करते, तो स्वानुभव स्वयं संवेदन प्रत्यक्ष को टैली क्यों कर रहे हो? पॉइंट पकड़ में आ रहा है भैया? द्रव्य और तत्व का अंतर समझ लेना, नहीं तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। विद्वान होने का यही फायदा है, द्रव्य और तत्व का अंतर समझो। बिल्कुल सुन लेना, नहीं तो पूरे प्रवचन बहुत जोरदार है, मैंने बहुत विस्तार से प्रवचन किया इसके ऊपर। आइए आगे। जिसके अनुभव बिना, माने ध्रुव के अनुभव बिना, शास्त्रों के आधार से, देखो लिखा शास्त्रों के आधार से, सात तत्वों की भूल मिटाने पर भी, निसंकेत आदि आठ अंगों का पालन करने पर भी, शास्त्रों के आधार से, शास्त्र में लिखा है साधक में बात सली करना, करते पंडित जी इन्होंने धोखा दिया लेकिन हमने नहीं दिया, ये हमारा पैसा खा गए लेकिन हमने इनको फिर भी खूब प्रेम किया, हमारे भैया ने हमें ऐसा ऐसा किया लेकिन फिर भी हमने अच्छा किया। सुन तो शास्त्रों के आधार से करने पर भी, 25 दोषों को नहीं लगाने पर भी, सम्यक दर्शन, ऐसा तो नहीं लिखो पंडित साहब एकदम सम्यक दर्शन नहीं होता, थोड़ा मीठी भाषा में लिखो, हो जाएगा भाई। तू इतना कर रहे ना सात तत्व का अभ्यास, इतना तो कर रहे ना आठ अंग और 25 दोष रहे, नहीं नहीं एक ना एक दिन तुझे अवश्य होगा। नहीं नहीं होगा, ये मीठी भाषा नहीं लिखी, हो जाएगा, करते रहो बेटा, करते रहो करते रहो करते रहो, नहीं लिखा पंडित साहब कह रहे हैं नहीं होगा, सही कह रहे हो, कौन की हिम्मत हो जो ऐसा लिखे नहीं होगा, यही तो कहेंगे। तुम इतना तो अच्छा करी बेटे मुकेश, तुम लोग स्वाध्याय करते हो, सात तत्व का अभ्यास करते हो, तुम्हारे तो बहुत बढ़िया, इतना तो कोई करते भी साधारण बात सल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अब एक ना एक दिन सम्यक दर्शन हो जाएगा। स्वामी जी कहते पोपा वाइनो राज न थे क्या बोला? पोपा वाइनो राज न थे, नहीं होगा बेटे नहीं होगा, तो क्या लग रहा है? आगे, तथा नहीं होता सम्यक चरित्र दिगंबर होकर महाप्रतापी पालने पर भी, हो भी कैसे, लो हो भी कैसे, सम्यक चरित्र नहीं होता सम्यक चरित्र, सम्यक चरित्र क्यों कब नहीं होता? दिगंबर मुनि दीक्षा लेने पर भी सम्यक चरित्र नहीं होता, ये लिख रहे हैं, फिर से पढ़ो, दिगंबर होकर महाप्रतापी पालने पर भी सम्यक चरित्र नहीं होता। मैंने कविता थी ना, कविता ऊपर नीचे बोली जाती थोड़ी, मैंने सीधे बोल दी, देखो फिर से बोल दो, सम्यक दर्शन नहीं होता तथा नहीं होता सम्यक चरित्र, नहीं होता सम्यक चरित्र दिगंबर होकर महाप्रतापी पालने पर भी, हो भी कैसे भैया? तो 28 गुलगुण पाल रहे तो अभी सम्यक दर्शन ही नहीं होगा, नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? आखिर ये सभी हैं तो पर ही हो, आखिर ये सभी हैं तो पर ही, क्या बोला? आखिर ये सब हैं तो पर ही। इसका दृष्टांत बाबू भाई जी दे, बाबू भाई खीर बनाना थी तो भाई ने अच्छे कपड़े पहन लिए, खीर बनेगी कि नहीं? अरे खीर बना रही है वो, चावल धोए उसने, उसमें उबलने रख दिए, बोलो भाई खीर मीठी होगी कि नहीं? नहीं हो। भाई शक्कर की बात मत करो, देखो शक्कर पक्कर बन जान दो, बोलो वो आज सुबह से निर्जल है और मंदिर में उसने रवि व्रत की पूजा की है और उसने वो और भक्तामर भी पढ़ा है, तत्वा सूत्र भी सुना है, बताओ उसकी खीर मीठी होगी कि नहीं? अरे क्यों? अरे शक्कर गई चूल्हे में क्या कर, बोल भाई वो, अच्छा वो महिला क्या करी, एक शक्कर छोड़ दे और बोलो, वो सोने डालने तैयार है, एक किलो सोना, एक किलो सोना कितना महंगा होता है, एक कुंटल हीरे डालने तैयार है, एक कुंटल हीरे श्रेयांश थोड़े नहीं, बोल भैया खीर कितने परसेंट मीठी होगी? ऐसे ही अणुव्रत और महाव्रत धारण करने पर भी सम्यक चरित्र नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। तो बिल्कुल बढ़िया करते रहे ना, छान के पानी, मैं छान के पानी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद छान के पानी भावता हूँ,
चढ़ना नहीं होगा, मैं कोई कोताही नहीं कर रहा हूँ, ढीलापन नहीं कर रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ नहीं नहीं होता। बोलो आगे चलो। आखिर ये सभी हैं तो पर ही, यदि पराश्रय से भी धर्म होगा तो मुक्ति होगी, यदि पराश्रय से सम्यक दर्शन होगा तो मोक्ष भी होगा। क्या बोल गए, क्या बोल गए? यदि पराश्रय से भी धर्म होगा, मुक्ति होगी, तो संसार किससे होगा? बहुत गरिश बात है, बहुत गरिश बात है। सुनो सभी लोग, बहुत काम की बात है, गहरी बात है थोड़ी। मिथ्या दृष्टि क्या करता है? मिथ्या दृष्टि कि तुम्हारा पैसा हमने अपनी जेब में रख लिया, ये तो पाप है, लेकिन तुम्हारा पैसा निकाल के इसकी जेब में डाल दिया, ये तो पुण्य है ना। अरे इसमें क्या, इसका भला कर दिया कि नहीं किया हमने? इसका पैसा लेके इसके में डाल दिया, भला किया कि नहीं किया? बोलो। अब आगे चलो, फिर इनकी जेब में से पैसा निकाल के इनकी जेब में वापस डाल दिया, तो धर्म हो गया कि नहीं हो गया? समझे कि नहीं समझे? इनका पैसा मेरी जेब में पाप, इनका पैसा इनकी जेब में पुण्य, और इनका पैसा इनकी जेब में वापस डालने से धर्म। अरे बोलो ने, ऐसी बात कह रहे। यदि पर के आश्रय से धर्म होगा, मोक्ष होगा, तो संसार किसके आश्रय से होगा? तू तो सारी गुलाट पर ही पर में मार रहा है, काई मार रहा है गुलाट? पंडित जी इसके दृष्टांत दिए, बहुत प्यारे प्यारे दृष्टांत दिए पंडित जी। अपने को मिठाई बनवानी थी, मिठाई मिठिया आया बनाने वाला, हलवाई आया, सब सामान दे, हमें दे दिया, हमें बनवाने थे रसगुल्ले, हमने रख दिया बेसन, नमक, तेल, घी, सोना, चांदी, बहुत आइटम रखे, अच्छे अच्छे बड़े बड़े बर्तन रख दिए सब, और भट्टी भी रख दी बहुत बड़ी, सब सामान रख दिया। भाई सामान आ गया? हाँ आ गया। बड़े वो आया, क्या बनाना है? कि रसगुल्ला। तो भाई यहाँ दूध छेना जो क्या जिससे बनता है वो तो है ही नहीं। अरे तो सोना तो है, दूध और छेना तो बहुत सस्ता होता है, सोना तो है, हाँ हीरा, हीरा के रसगुल्ला। तुम गुस्से में बोला हटाओ यहां से, कहीं ऐसे बनते हैं रसगुल्ले? क्या सामान लाके रख दिया, हटाओ। तो हमने हटा दिया, अब बना। तुमने तो कहा था पंडित साहब ने बहुत सुंदर बात की, ध्यान से सुनना। परद्रव के ग्रहण से तो मोक्ष नहीं होता, लेकिन परद्रव के त्याग से भी मोक्ष नहीं होता। बेसन से तो रसगुल्ले नहीं बनते हैं, लेकिन बेसन हटाने से भी नहीं बनते। मिट्टी की तेल, मिट्टी का तेल, मिट्टी के तेल से क्या कहता है मिट्टी का तेल को? केरोसिन। वो केरोसिन ऑयल में बूंदी तो नहीं बनती, लेकिन केरोसिन ऑयल के त्याग कर देने से भी बूंदी नहीं बनेगी। केरोसिन की पूड़ी खाई? समझ में आ रहा है? आह प्रभु, परद्रव्य के ग्रहण से या त्याग से, दोनों बात लेने, कुछ पकड़ो जरा, काम की बात है। मैं सच कह रहा हूँ, पंप पटक रहा हूँ, जिसको समझ में आ जाए मजा आ जाए। पहले हम काले कपड़े पहनते थे, अब सफेद पहन लिए। क्या हो गया? काले कपड़ा पाप और सफेद कपड़े धर्म का शुरू है। तुमने ऐसे ऐसे बाल रख लिए पापी, और मैंने ऐसे डाल लिए, सिर मुंडा लिया मोक्ष। मोक्ष कहां से आ गया? यदि सिर मुंडाने से मोक्ष होता तो सुअर का मोक्ष हो जाता। बोला नहीं लेना, उसे केस खींचे जाते हैं। केस खींचने से क्या होता है? मैं नहीं कहता हूँ, भजनों में लिखा है नग्न रहने से यदि होता तो पशु तो इस दिन नग्न रहे। हाँ तो पशु वस्त्र कभी नहीं पहने, तूने तो पहन के उतारे, उसने तो पॉइंट पकड़ में आ रहा है। यदि पर के ही सूक्ष्म बात करूं, बोलूं, कह तो चुका हूं, लेकिन मैं डिटेल कर रहा हूं और कुछ नहीं। पर का ग्रहण और त्याग
मैंने ग्रहित मिथ्या त्याग दिया और सच्चे देश सास गुरु ग्रहण कर लिए, अब तो सम्यक हो जाएगा। सच्चे देश सास गुरु अब तो कह दो। हाँ ये से कैसे, ये भी पद है भाई साहब, यदि ग्रहित मिथ्या पद्रव है, पर पदार्थ में कार्य है, प्रवृत्ति है, तो सच्चे देश सास गुरु की प्रवृत्ति भी पद्रव की ही प्रवृत्ति है। बड़ी सूक्ष्म बात है भैया, चरणानी का निषेध नहीं करेंगे, ध्यान रखना, समझ में आ रही बात, बहुत सरल है, कठिन नहीं है। स्त्री को रसगुल्ले का स्वाद लेना हो तो पर पुरुष का ध्यान करना चाहिए कि अपने स्वयं पति का ध्यान करना चाहिए, स्वयं पुरुष का, बोल भाई, रसगुल्ले का स्वाद लेना हो तो तुम्हें किसका ध्यान करना पड़ता है, अपनी पत्नी का या पर स्त्री का, बोल। अरे रसगुल्ला खाते समय स्वयं पर की आत्मा के अनुभव में पंच परमेश्वर पर ही है, समझ में आया कि नहीं। आगे देखो, आंखें ये सभी हैं तो पर ही, यदि पराश्रय से भी धर्म होगा, मुक्ति होगी, तो संसार कैसे होगा, यदि इनसे ही सुख होगा तो दुख कैसे होगा। क्या क्या रुक गया मैं, कड़क कड़क बातें हैं थोड़ी। सच्चे देश सास गुरु की पूजा करते करते यदि सुख होगा तो फिर दुख किसका नाम होगा, थोड़ी सी। सच्चे देश सास गुरु का विचार करने पर भी यदि सुख होगा तो दुख कैसे होगा, जी लिख रहे हैं। 28 मूल गुण पालन करने पर यदि सुख हो जाएगा तो दुख कैसे होगा, जी आप नहीं पच रही, आप बिल्कुल भैया आप अपने संग ले जाओ सब, अभी हमें जहाँ बैठे वही बैठे। भाई बात चरणानियों की चली नहीं रही है, बात है कि तू पर के हेर फेर में सम्यक दर्शन मानता हो, धर्म मानता हो, मोक्ष मानता, तो उसका नीचे बहुत साफ है। खीर बनाने के लिए कौन सी साड़ी पहननी चाहिए, बोलो। अरे शक्कर से दूध से जो सामान होते हैं उससे खीर बनती है, उसमें पर्दा क्या करेगा, ठीक। चलो आगे, दुख कैसे होगा, ध्यान रहे जैसे बीज बोए बिना अनेक साधन करने पर भी फसल नहीं होती, जैसे बीज बोए बिना, काय की फसल चाहिए, बबूल की, काय की चाहिए, बीज बोए बिना आम चाहिए, गेहूं चाहिए, बीज तो बोना पड़े ना, तो जैसे बीज बोए बिना अनेक साधन करने पर भी फसल नहीं होती, और यदि हो भी जाए तो घास फूस होती है, बिना ही साधन करे, बिना ही मेहनत करे, क्या होती है, घास फूस। समझ में आ रहा कुछ, क्या कह रहे, कुछ कठिन कठिन बात है। यदि तू ध्रुव का अनुभव नहीं करता, बीज नहीं बोता, ध्रुव की दृष्टि नहीं करता, ध्रुव माने शब्द नहीं, परिपूर्ण ध्रुव माने जिसके जानने पर एक भी पर्याय का विकल्प नहीं, और पर्याय होती है, नहीं करने परेशानी थोड़ी है, फिर से बोलता हूँ, बोल जाता लेकिन आपको समझ में नहीं आता इसलिए फिर रुक गया। सबके दिमाग में खुरापात है, खुरापात कह रहे हो, खुरापात समझते हो, एक मिथ्यास है। पंडित जी जब हम पर्याय में इतनी ट्रायल कर रहे तब तो ढंग की नहीं हो रही, तो जब हम बिल्कुल ही पर्याय को छोड़ देंगे तब क्या होगा, पॉइंट पकड़ में आ रहा कुछ, फिर से बोलूं प्रश्न। अभी अपन दिन रात कितने परिणाम सुधारते तब तो सुधर नहीं रहे, पूजा करते, मंदिर जाते, साधन में भाषण करते, शिविरों में जाते, व्रत उपवास करते, शुद्ध खाते पीते, तब तो परिणाम सुधर नहीं रहे। और अभी यहाँ की जो चर्चा चल रही है उसमें ये कह रहे हैं कि तू पर्याय का बिल्कुल ध्यान मत दे, वो सही हो जाएगी, नहीं पचती नहीं बात, पच जाइए। क्या कह जाए, इसलिए मैं रुक गया था थोड़ा सा फोकस करने के लिए। अब फिर से सुनो, पर्याय में जब तक तेरा कर्तत्व है वो ही विष है, युगल जी बाबू जी, पर्याय में जब तक तेरा कर्तत्व है वो ही विष है। सरल दृष्टांत दे दूं, बहुत सरल दृष्टांत, सरल दृष्टांत चिकित्सा पद्धति का, ठीक है। अपन इलाज करने जाते हैं ना तो कैंसर होके मर जाता है, इलाज मत करो कैंसर मिट जाता है, ऐसे कैसे जो नहीं हुआ विश्वास, तो सरल दृष्टांत देता हूँ, कैंसर को थोड़ा दूर रखो, कैंसर होता ही इसलिए कि इलाज कराता है, नहीं समझ में आई क्या कहा, छोटी छोटी बीमारियों के इलाज कराने से कैंसर होता है, सिर दर्द होता है, सिर दर्द
कौन सी पॉलीथिन, कौन सी दवाई देते हैं, एनासिंथेसिस क्या देते हो पहले 30-35 साल बाद? क्रोसिन तो बुखार के लिए। सो फिर वो 30-35 साल बाद WHO ने कहा कि ये गोली मत खाओ, इससे कैंसर होता है। तो जरा सा सिर दर्द की दवाई खाते खाते वो हो गया, जरा दर्द होता था घुटने में तो उसकी दवाई खाते खाते किडनी चली गई। देखा, समझ में आ गया कुछ? तो फिर पंडित, अब क्या उपाय है? कि बोलू, तू एक काम कर, कोई सी बीमारी हो जाए केवल पानी पे रह जा, उबले हुए पानी पे। समय तो लगेगा थोड़ा, लेकिन मिट जाएगा रोग। सब ऐसे कैसे, हम इतनी मेहनत कर रहे लाखों रुपया करोड़ रुपया, तब तो कैंसर होके मर रहे, और तुम कह रहे कि वो गर्म पानी से? अब इतनी विश्वास कर, नहीं हो तो मेरी जिम्मेदारी है, बिल्कुल मेरी जिम्मेदारी है। जिस दिन अपन क्या करते पता है, अपने को कोई भी बीमारी हो, अपन दवाई खा के भर पेट रोटी खाते हैं, खीर खाते हैं, लड्डू खाते हैं, और हम काय का मना कर रहे हैं? अरे वनीर, यही तो गड़बड़ है तुम्हारा, जैनोपैथी नेचुरोपैथी। अपने को तो एक बात है, एक गोली खाओ शांत से, कैंसर करो शांत से, पैसा है काय के लिए, आराम से जाएंगे बॉम्बे। देखो साफ साफ कह रहा हूं, अरे प्रभु कुछ मत कर। अब देखो मेरे प्रदर्शन अभी नहीं समझ में आने, श्रेयांश नहीं आए ना बिल्कुल समझ में, मुझे पता नहीं है। अब मैं तुम्हें बिल्कुल प्रैक्टिकल तुम्हारा दृष्टांत देता हूं। कोरोना के समय में सारे नियम समझदारों के लिए थे, विक्षिप्त लोगों के लिए कोई नियम नहीं था। ना उसे 500 रुपए का जुर्माना लगे, ना उसने वो लगाया। पूरे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में कह लो, देखो अपन हिंदुस्तान कह लो, उसने एक दिन भी नहीं लगाया। और आदमी ने तो अपने पिल्ला तक को लगाया, देखा था नहीं देखा था, वो पिल्ला को ना हो जाए। तो उसने अपने पेट एनिमल तक को लगाया था, सड़क के सारे कुत्तों को कोई नहीं लगाया। और आज विक्षिप्त पागल घूम रहा था, जो सड़कों पर सो रहा था, कहीं भी पड़ा हुआ खा रहा था। अभी हम खाएंगे ना तो आप जी कहो बेटे अमीबा हो जाएगा, वो खाते हैं बिल्कुल नहीं, और वो खा रहा था बेचारा। पूरे विश्व में एक भी विक्षिप्त आदमी को कोरोना नहीं, ऑन रिकॉर्ड हो तो मुझे दिखा देना बेटे। क्यों क्यों? कि जो ध्यान नहीं रखता है, अब मुसलमान कहेंगे उसका ध्यान खुदा रखता है, ईसा वाले कहेंगे क्राइस्ट रखता है। अब हम कहां जाएं? हमारे महावीर भगवान तो ध्यान नहीं रखते। तो हम कहां जाएं? अरे प्रभु पर्याय का स्वरूप इतना सुंदर है कि तू ध्यान मत कर तो ऑटोमेटिक 14 गुण आसान हो जाए। इसीलिए हमारे दिगंबर जैन शासन में पर्याय का ध्यान करने का निषेध है। बहुत गजब बात है, पर्याय के ध्यान करने का सर्वथा निषेध है। हो जाए तो गलती मानी जाती है, मजबूरी मानी जाती है। पंच परमेश्वरी का ध्यान करने वाले नकुल सहदेव वहां चले गए थे, और तीन ने ध्यान नहीं किया था तो सुपरमैन कौन थे? दोनों पांचों में सुपरमैन कौन थे? वो तीन वे मोक्ष चले गए, और दो डब्बू चलो सर्वर से दी जाओ, री एंट्री करना फिर से, क्या करना था? सप्लीमेंट्री जाओ फिर से ट्राई करो। उल्टा नहीं लेना है, मेरी भाषा खराब है थोड़ी, मैं ऐसा भी बोलता हूँ, लेकिन वो मुझे तो अभी पर्याय का जोर बता नहीं, पर्याय का जोर नहीं रहा मुझे। नकुल सहदेव की भी महिमा है, ध्यान रखना भैया, और तुम मेरी नकल नहीं करना कहीं। नहीं था ऐसे ही बोलो, नहीं बोलना, मैं खुद कह रहा हूँ सॉरी। चलो अब वापस, इसी प्रकार स्वाश्रय बिना, स्वाश्रय माने ध्रुव को जाने बिना, स्वानुभव बिना कदापि नहीं होता धर्म का प्रारंभ भी। यदि कसाय मंद हो भी जावे तो मात्र मिलती है घास फूस। मुनि दीक्षा लेने पर भी, आदि आदि करने पर भी, यदि स्वानुभव नहीं हुआ तो हो जाता है थोड़ा सा पुण्य। क्या मिलता है वो इसी में लिखा है, तो मात्र छाछ तो ले गए, आत्म सम्यक दृष्टि, छाछ
और जगत छाछ भरमाया। हाँ मुझे पता है, याद है मुझे, स्वामी जी भजन गाते थे ने, अमृत बरसारे पंचमी गालना। तो मक्खन तो ज्ञान ही ले गए और तुम काय में घुस हो रहे हो। छाछ सुनना, छाछ श्रेयांश, छाछ सुनना। हाँ बोलो तो बोलू, डर लगता है इसको मेरे प्रश्न। पंडित जी आप मेरी छाछ कर दोगे, प्यार मुझे पता है तुम्हारा जो मेडिकल साइंस है वो छाछ है। मैं पहले कह रहा था आप भरी सभा में मेरे लिए कुछ कहोगे। अरे तेरे लिए नहीं, ये सबके लिए है। तुम कहते हो पंडित जी जब से मैं मंदिर जाना शुरू किया है, उपासना की पूजा की है, तब से मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। बद्दू सगबड़ थई गई, बहुत सारू चाले छे, है ना, सही है कि नहीं। जब शादी नहीं करते तो पत्नी बहुत लड़ती थी, शादी करने के, वो शादी नहीं मंदिर, जब मंदिर नहीं जाता था, पूजा पाठ नहीं करता, तो पत्नी से रोज कंकास खाए छे। लेकिन जिस दिन से मैं मंदिर गया, वासनाथ की भगवान की कृपा, उसकी बुद्धि में थोड़ा ठंडा हो गया। अभी ठीक, ढोल छाछ है, स्वर्ग मिलना छाछ है, स्वर्ग की सुविधाएं मिलना छाछ है, जगत छाछ भरमाया। क्या बताएं पंडित जी, जब से त्यागी बनाऊं इतना खाने को माल मिलता है, बहुत टेस्टी, इतना तो अपनी पत्नी नहीं खिलाए। मारे ढोर जगत आगे बोलो छाछ। बिरला था सो माखन पाया, जगत छाछ भरमाया, गुणवंता ज्ञानी अमृत बरसारे पंचम काड़मा। पूरा है जी, सुना सुना कि नहीं सुना जी, कभी सुनना ये भजन, बहुत प्यारा भजन है, बहुत प्यारा। मुझे तो मेरा तो गला ही थक जाता है इस गाने में, मुझे काठियावाड़ी आवाज निकालनी पड़ती है इसमें। रे गगन मंडल में गौआ बियाने, ओ वसुधा दूध जमाया, ओ बिरला था सो माखन पाया, ओ जगत छाछ भरमाया, रे गुणवंता ज्ञानी अमृत बरसारे पंचम। समझ गए छाछ, प्रभु पुण्य की सामग्री सुविधाएं मिलना, तेरा यश होना, तेरी प्रभुता होना, तेरी बाय बाय होना, तेरी जय जयकार होना, ये सब जगत छाछ है प्रभु छाछ। मक्खन छोड़ दिया तूने, बढ़िया। बोल भाई तेरी बढ़िया नौकरी लगेगी कि नहीं, बोलो। पंडित जी ऐसे आशीर्वाद दो, सब मेरे से आशीर्वाद मांगते। पंडित जी आपका आशीर्वाद रहा तो मैं फलूंगा फूलूंगा, मैं मेरे चक्कर में मत पड़ना। मेरा चक्कर बहुत खराब है। मेरे चक्कर में रहने वालों का फल फूल तो छोड़ो, मुंह ही चला जाता है। मेरे साथ बहुत खतरा है, बहुत मुश्किल पड़ती है मेरे साथ। चलो आगे, तृष्णामय भोग सामग्री मिलती, मात्र मिलती है तृष्णामय भोग सामग्री, जो है ज्ञानी जनों की दृष्टि में धूल, जो है ज्ञानी जनों की दृष्टि में धूल, धूल 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 छे बापू, जो है ज्ञानी जनों की दृष्टि में काग पीठ सम निस्सार, काग पीठ सम निस्सार। कुछ सरल नहीं है प्रवचन, एक काग भी कहना सरल लगती है, हंस भी लेंगे अपन, लेकिन ज्ञानियों को निस्सार लगती है। गाय का गोबर तो काम आ जाता है लीपने के पोतने के, गरीब लोग होते हैं गरीब, जो 5 पैसे खरीद कर भी चूना नहीं जा सकते,
पहले जमाने में बहुत सस्ता था चूना, तो अभी नहीं खरीद पाते थे। अभी क्या रुपए किलो आता है वो चूना, 1-2 रुपए किलो, 70 रुपया, जो भी मुझे नहीं मांगे, 5 रुपए किलो चूना, बाप रे इतना सा पत्थर 5 रुपए का। तो गरीब लोग बेचारे वो नहीं ला पाते ना, तो अपने घर के झोंपड़े गोबर से लीपते थे। लेकिन कौआ की बीज तो हमारे गुरुजी कहते थे सर, स्कूल के सर मतलब गाली देते थे, गाली ना बच्चे को बुरा कहना, बोलते थे काग पीठ, स्कूल में कहते थे काग पीठ, लीपने की न पोतने की किसी काम नहीं आती, गाय का गोबर तो फिर भी काम आ जाता है। लेकिन क्या लिख रही है, काग पीठ सम निसार, हमें लगता है पैसा काम आएगा, इसकी पुत्रादी काम आएंगे, जब तक तुझे लग रहा है काम आएंगे तब तक ये लाइन नहीं समझ आएगी। पंडित निश्चय से तो काम नहीं आएंगे, अब देखो इसने कान इधर से पकड़ा, व्यवहार से तो काम आएंगे ना, स्वामी जी मना करते थे व्यवहार से भी काम नहीं आएंगे, व्यवहार से भी सच्चे देश साधु काम आएंगे, व्यवहार से यदि कहना ही हो तो व्यवहार में, व्यवहार का आरोप किस पे आएगा बोलो, आज तक किसी ने कहा है मैंने अपनी पत्नी को देखा और सम्यक दर्शन में निमित्त बन गई, बना आज तक किसी को, मेरे को तो पता नहीं, कोई मिले तो बताना क्या मैंने अपना 100 करोड़ का खजाना देखा और एकदम स्वय संवेदन हो गया, हुआ आज तक किसी को? तो व्यवहार से भी आरोप स्त्री पुत्रादि पे नहीं जाता, पुण्य की सामग्री पे नहीं जाता, यदि जाएगा भी तो आरोप जाएगा भी तो दो शर्त है, पहला तो तुझे सम्यक दर्शन करना पड़ेगा, ध्रुव की दृष्टि करनी पड़ेगी पहला, और फिर उन पर आरोप आएगा, वो भी पंच परमेश्वरी पर, दूसरे पर नहीं। सम्यक दर्शन के निमित्तों में देव सास गुरु तो है ये नहीं, बाकी आरोप उपचार तो वे भी है, वेदना और दुख खोजे, लेकिन स्वामी जी कहते थे ये तो जगत को मिलेच्छों को मिलेच्छ भाषा में समझाने के लिए है, किसी को भी दुखी होने से सम्यक दर्शन नहीं। कुछ कहा क्या कहा, सम्यक दर्शन दो प्रकार के होते हैं, विद्वानों को मालूम होगा, तुमको मालूम दो प्रकार के सम्यक दर्शन? हाँ वेरी गुड, अरे क्या बात है, इसको का नोट दो, लेना भैया तूने छोड़ना मत, निकाल के रखना। हाँ भाई बहुत बढ़िया, मुझे उम्मीद नहीं थी इस मुकेश से, लेकिन दो प्रकार के सम्यक दर्शन इसने बोला, निसर्ग का जो है अधिक, बहुत बढ़िया मजा आ गया, बहुत अच्छा, यह एक परिवार में जन्मने का इतना फायदा तेरे को मिला। हाँ आगे चलो, लेकिन स्वामी जी कहते थे अधिगमन सम्यक दर्शन होता ही नहीं, हंगामा मच गया पूरे हिंदुस्तान में, तद्वार सूत्र में लिखा है सम्यक दर्शन दो तरह का होता है, निसर्ग जो अधिगमज, और स्वामी जी बोल रहे कि अधिगमज सम्यक दर्शन होता ये नहीं, तो बोले क्या मतलब, बहुत बाविला मचा इसमें, बहुत बाविला, और गुरुदेव तो गजब ही थे, कोई नहीं बोलता था ये बात जो मैं कह रहा हूं अभी, अधिगमज से सम्यक दर्शन मानते थे लोग, 10 प्रकार के सम्यक में जो लिखे ना आज्ञा जी, बोले 10 प्रकार का होता ही नहीं, स्वामी जी बोलते 10 प्रकार का सम्यक होता ही, तो फिर क्या हुआ, सम्यक दर्शन की विधि तो एक ही प्रकार की है कि ध्रुव का अनुभव करे, अब ध्रुव का अनुभव करते समय वो दुख था वेदना नरक में संयोग में, तो संयोग का ज्ञान कराने पर आरोप चला गया, यदि वेदना से सम्यक दर्शन हो तो तुम सब आ जाओ मेरे पास, आज वेदना देता हूं। क्या गुरुदेव की सेवा कोई नहीं खोलता था, बिल्कुल पक्की बात है, अभी भी नहीं खोलेगा, पूछ क्या, निसर्गज ही सम्यक दर्शन होता है, निसर्गज माने नैसर्गिक ओरिजिनल, देखो बिजली के तार लगाओ इसमें स्विच में, तो बिजली का आने का तो एक ही तरीका है ना, एक ही तो तरीका है, बिना उसके तो प्रकाश नहीं होगा, अब लेकिन कोई कहता है वो स्विच ऑन करने से, कोई कहता है ए कई बार लाइट चली जाती और वो एकदम कोई बोला लाइट आ जाए और सही में आ गई, तो आरोप काय पे आ गया, वो तो हमने कहा लाइट आ जाए सो आ गई, अब सब लोग भी कहते तुम्हारी वाणी फल गई, कभी देखा तुमने क्रिकेट वगैरह में कोई व्यक्ति आया और आउट हो, अरे यार तुम आ गए, अब क्या लेना देना उसके आने से आउट होने का, होता कि नहीं होता है,
एक छोटे से पप्पू ने कह दिया, छोटे से पप्पू ने 5 साल के, इस बार तो चाची के पप्पी होएगी, धुनाई उड़ा दी उसकी। हमारे बुंदेलखंड में गालियां देते हैं, आग लगे जागी जवान में, आखिरकार 9 महीने बाद सही में पप्पी हुई, जिंदगी भर गाली दी, जाने कर दी जाने। अब वो कह रहा मम्मी चाची मुझे तो होश भी नहीं कि 5 साल में मैंने क्या बोला था, नहीं तेरी जमा नहीं है, समझ गए बढ़िया बन। ए 10 प्रकार के सम्यक ऐसे हैं पप्पू वाले, पप्पू ने कहा पप्पी होगी, बस 10 प्रकार का सम्यक होता तो स्वामी जी ने वो ऐसे कहने की जरूरत क्या थी, व्यवहार से था तो कह देते व्यवहार, 10 प्रकार का लिखा तो क्या देते 10 प्रकार का, कि नहीं स्वामी जी ने कहा सम्यक दर्शन 1 प्रकार का होगा, 10 प्रकार का होगा तो सबका उपाय इधर से छोड़कर इधर चला जाएगा, कोई इधर इधर उपयोग चला जाएगा। मैं अभी ये बता रहे थे ये लोग गोमरसार जी का शिविर लगता है ना वहाँ वो इंदौर में, तो दक्षिण भारत के लोग आते हैं तो वो लोग सम्यक दर्शन के लिए ध्रुव की बात ही नहीं करते। इन लोगों से चर्चा हुई उनकी, बोले भैया अपन इतनी बारी बारी बातों में नहीं जाते, सोनगढ़ वाली बातों में, अपन तो बस इस जुगाड़ में है कि भावलिंगी संत को आहार दिया तो पक्के में 2 भाव में मोक्ष, और कहानियां लिखी जा रही हैं श्री कृष्ण महाराज की 8 पटरानी थी और 8ों पटरानी ने भावलिंगी संत को आहार दिया और 2 भाव बाद उनका मोक्ष हो गया। इसलिए हमारा तो पक्का श्रद्धान है कि अपन तो ढूंढो इधर नहीं, कोई मिल जाए अपना बेड़ा पार, मिथ्या दृष्टि को भी अपन आहार देंगे तो 2-4 से अपन पहले मान जाएंगे भोगभूमि में, क्योंकि अपने परिणाम का फल अपने को मिलता है। और स्वामी जी कहते पापा भाई नो राज, समझ में क्यों 10 का निषेध किया गुरुदेव को, 10 का निषेध गुरुदेव के असंख्यात हो जाए उसमें क्या दिक्कत है, वो तो आचार्य ने समझाने के लिए 10 पर उपचार कर दिया, ऐसे असंख्यात हो जाएंगे। बराबर समझ में आया कि नहीं आया? हाँ भाई, सम्यक दर्शन की 1 प्रकार की विधि है कि 10 एक, अब इसे फायदा क्या होगा कि तू 1 तरह कोशिश करेगा, समझ में आया कि नहीं आया? आगे चलू, आहा धूल काग बीट सब निस्सार, सहज निर्भ्रांत तत्व के अनुभव से ही मिटती है समस्त भ्रांति, निर्भ्रांत तत्व के अनुभव से ही मिटती है समस्त भ्रांति, प्रगटती है सच्ची शांति और भाषित होता है अपना ज्ञायक भाव उपाधि पने, भाषित होता है ज्ञायक भाव उपाधि पने, कहां पर कहां अपना, ज्ञायक के अनुभव से कल्याण नहीं होगा, अपन ज्ञायक हैं अब कल्याण होगा, ज्ञायक तो है ही, ज्ञायक तो है ही लेकिन अपन ज्ञायक ठीक। आगे, और प्रतिभासता है सकल विश्व के, और प्रतिभासता है सकल विश्व, बहुत बड़ी बात लिखी है, 1-1 घंटा लगे इनमें। अभी हमको प्रतिभासता है भोग, और वे कह रहे हैं जितना तुझे भोग दिख रहा है वो सब लगना चाहिए गे, हाय समझ में आया, गे गे माने सहज जानने में आने वाला, और भोग माने जानकर मजे लेने वाला, अंतर समझ में आया कुछ? भोग तो कर ही नहीं सकता, भोग तो एक द्रव दूसरे द्रव का भोग, तो एक द्रव दूसरे द्रव का भोग, तो तुम रोटी खाओगे नहीं खाओगे आज? खाओगे? अभी तो तुम कह रहे थे एक द्रव कोई बात नहीं बच्चे। भोग भोग माने भ्रम, भोग माने भ्रम, भोग माने खाना माने भ्रम, हम केवल जानेंगे और आनंद मानेंगे इसका नाम भोग है। खरे खर तो आत्मा ने आज तक कुछ खाया, शरीर ने भी कुछ खाया, हाँ आत्मा ने नहीं खाया, इतने भी तो तुम आ गए। अभी शरीर ने खाया है कि देख एक बात बताओ,
थोड़ा कठिन तो लगता है बच्चों को, कोई बात नहीं, बताना बताना चाहिए। बेटे मिक्सी के अंदर लड्डू डाल के चला दें तो मिक्सी ने लड्डू खाया कि नहीं खाया? नहीं खाया, बराबर। तो ये भी तो मिक्सिया, वो इलेक्ट्रिक है। तुमने देखा है भोजन, भोजन घूमता है इधर, अपन चबाते हैं जब, भोजन घूमता है इधर, मिक्सी में घूमता है ना, ऐसे घूमता है, नहीं घूमे तो चबा ही नहीं पाओ, नहीं तो जिधर वाला है बेचारा वही वो चपता रहेगा। प्रकृति बहुत जोरदार है, इसका नाम मैनुअल मिक्सी। समझ में आया? हाँ, नेचुरल। तो भैया जैसे पुद्गल की मिक्सी में लड्डू डालने से नहीं खाया, टिफिन में रोटी रखने से टिफिन में रोटी नहीं खाई, ऐसे इस टिफिन में रोटी रखने से लोग में कहते हैं खाई, कहते रहे ना, कोई दिक्कत नहीं, तुम अक्कल तो लगाओ, नहीं खाई, इतना तो समझो। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया? मैं बच्चों से जब ज्यादा नहीं बोलूंगा, टाइम हो गया हमारा। बोल भाई, सराफी की दुकान देखी? सराफी की दुकान में एक पुतली होती है, प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्ति, उसको 10 करोड़ के गहने पहनाए गए, और इतना भाग्य होता है उस पुतली का, पुराने वाले नहीं पहनाए जाती, पुराने डिजाइन की नहीं पहनाए जाती, एकदम नया डिजाइन और सबसे बढ़िया क्वालिटी, और नीलम पढ़ना जो भी हो, और उसको पूरा पहनाती है। बोल भाई, वो पुतली का पुण्य का उदय कितना है? बोल भाई मानस, पुतली का पुण्य का उदय कितना है? अच्छा, तीन पुतली रखी है, तीन, एक को 10 करोड़ का पहनाया, एक को 1 करोड़ का पहनाया, एक को 1 लाख का पहनाया। बोल अनंत, तीनों में से पुण्य ज्यादा किसका? ठीक है, समझ में आया कुछ? अरे ढोर, वो तीनों पुद्गल की है, जब वहां पुण्य का उदय नहीं आया तो इस पुद्गल के ऊपर रखने से पुण्य का उदय कहां से आ गया ढोर? मैं उसको कपड़े पहनाते पुतली को तो नहीं कहते इसने पहने, और तूने इसके ऊपर डाल दिए तो पहनना हो गया। मैं नहीं कह रहा हूँ, लिखा है, ये जो मैं बोल रहा हूँ मैं तो दृष्टांत देके बोल रहा हूँ, लिखा है समय सार जी कलश 271 में, 271 है, कौन सा 171 होगा, देख लें मैं भूल जाता हूँ नंबर, 171 हो, 271 है, उसमें लिखा है ये ज्ञान ये ज्ञाय वे मामले में बहुत भ्रांति चलती है, तू जान करके आनंद मानता है इसको, कहता मैंने पहना, तू जान करके आनंद मानता है, इसका नाम है खाना, जान करके आनंद मानता है, इसका नाम है भोगना, खरे खर विश्व के साथ तेरा ये गया एक संबंध है, कोई संबंध, कोई को भोक्तर मुक्तर कोई संबंध ही नहीं है, है ही नहीं, इसके लिए लिखा नास्ति सर्वोपि संबंधा। अब तू फिर भी टांग अड़ा रहा है तो अड़ा था। बस अंतिम दृष्टांत दे देता हूं, जैसे कोई व्यक्ति फांसी चढ़ जाए बिना ही बात, मतलब एक आदमी हल्ला मचा रहा है, बाहर खड़े होकर चिल्ला चोट कर रहा है, मैंने मार डाला अंबानी को, मार डाला, और कल अंबानी को मार डालूंगा, मैंने ऐसा कुछ बोल रहा है, तो पुलिस क्या करेगी बताने जाए? अरेस्ट करेगी, और क्या करेगी, जब तू कह रहा है, खुद ही कह रहे ना। अब समझ लो उसे इस तरह की बातें करने के चक्कर में राष्ट्रपति को मार डालूंगा, प्रधानमंत्री को मार डालूंगा, ऐसा बोल रहा है तो पकड़ा जाएगा, जमानत भी नहीं होगी, अब उसको फांसी लग गई, तो आप बोलोगे भैया एक बार पूछ ले तो इससे कम मारा, जिंदा तो खड़े सब। तो उसने कहा मैंने सपने में मार डाली, विचारों में, सुनना, हंसना नहीं, सीरियस बात है, जैसे वो केवल सपने में मारने के घबराहट में कह रहा मैंने मार डाला, कितना पाप लगा होगा, सपने में मार डाले कितना पाप लगा होगा, तो फांसी चढ़ गया। ऐसे अनादिकाल से आत्मा निर्दोष ज्ञायक परमात्मा है, धनपाल जी क्या बोला, आत्मा त्रिकाल 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 निर्दोष, सिद्ध के समान निर्दोष ज्ञायक भगवान है, मात्र इतनी सी गलती की सजा मिल रही है कि जान करके कहता है मैंने किया, जान कर कहता है मैंने भोगा, जान कर कहता है मेरा है ममत्व, जान कर कहता है एकत्व, केवल जानने की मिसिंग निकल जाए ना, आपको क्या कहूंगी, समय सारजी परमागम का विश्व में सबसे बड़ा उपकार,
जो जो भूल मोक्ष जाने के लिए अड़ती थी अनादि काल से, वो इस ग्रंथ ने निकाल दी। इसके सिवा कोई ग्रंथ में चर्चा नहीं है जो इसमें है। फिर से बोलो, तू जान करके कहता था एकत्व, जान करके कहता था ममत्व कर्तव्य भोक्तृत्व, वास्तव में तो खरेखर कुछ हुआ ही नहीं था। तू मानता था इसलिए चार गति 84 भोगी तेने, आज तू मान ले कि मैं ध्रुव ही हूँ, निर्दोष ही हूँ, ज्ञायक ही हूँ, तेरा विकार खत्म। अब जानने में आ रहा है, उससे बंद नहीं होता। ध्यान से सुनना, जानने में आने से बंद नहीं होता। जानने में आने के बाद जो तू ये चार विकल्प करता था, बंद इससे होता था। अब आप चाहो तो जाते जाते आज बहुत बढ़िया बात बता दी मैंने, नहीं पंडित साहब ने बताई, स्वामी जी आचार्य कौन कौन स्वामी, और गजब ठीक समझ आई। गलती क्या हुई, कौन बच्चा बोलेगा 10 रुपए का नोट इनाम, बच्चा बोल देगा तो मुश्किल है, वैसे उम्मीद कम है। हाँ भाई, शास्त्री में से कोई बोलेगा तो 5 रुपए, भाई इनके लिए 10 रुपए। बोलो बोलो बोलो, बढ़िया, कौन बोलेगा। अंत मंत्र में कोई बात बताइए, विश्व के साथ फोकट में ही बंद हो रहा है, फोकट में ही चार गति में रखड़ रहा है। आत्मा ने कुछ नहीं खाया पिया भोगा छुआ, कुछ नहीं किया, नास्ति सर्वोपि संबंधा। हाँ, मैं करता हूँ ये जान करके बोला तू, मैं भोगता हूँ ये भोग भोगता हो कैसे बोलोगे, बहुत बड़ा चंबा। आगे अब पूछूंगा तेरे को, ओम नमः शिवाय।